नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजे न्यूज झारखंड में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूं इस बुलेटिन के खास खबरों पर। सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक ने संयुक्त रूप से नवाडी बालूघाट में छापामारी कर 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। अवैध खनन की गुप्त सूचना पर छापामारी में पुलिस को सफलता हाथ लगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगी। सरायकेला से रास बिहारी मंडल की एक रिपोर्ट। दो कहीं 3-4 जगह तकरीबन अवैध रूप से काफी सारा बालू वहाँ पे जमा करके रखा हुआ और उसमें तुरंत हरकत में आके हमने एक्शन लिया और जो भी वो थे ड्राइवर या चलाने वाले थे वो तो देख के भाग गए, लेकिन उनकी गाड़ियाँ जो थी वहीं पे रह गई और उसमें हमने तकरीबन 7 जो गाड़ियाँ ट्रैक्टर हैं वो जब्त किए हैं और उसके अलावा जितनी भी यहाँ पे अवैध रूप से बालू जमा किया हुआ है उसको भी सूची बना के और एक जब्ती सूची बना के उसको भी जब्त किया है और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं वो अपने स्तर से इसमें ऑक्शन करने का प्रयास करेंगे। सर, आगे भी सर इस तरह की कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें अब यही होगा कि प्रयास तो ये किया जाएगा कि इसको एक रूटीन एग्जाम। लातेहार समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रखंड से पहुंचे ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त माधवी मिश्रा के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। सरायकेला जिले में इस वर्ष बारिश कम होने के कारण कृषकों में हताश की स्थिति है। इस मद्देनजर आज फसल बीमा के तहत लगभग 6,000 आवेदन सौंपे गए। इस संबंध में कृषि तकनीकी सूचना केंद्र के पदाधिकारी अमिताभ मांझी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर हर प्रखंड में फसल बीमा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सरायकेला से रवि गोप की एक रिपोर्ट। ये भीड़ आज प्रधानमंत्री फसल बीमा का है, जो किसान अपना अगहनी धान का बीमा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आज लास्ट डेट है, इसीलिए जितने भी फॉर्म किसान को बांटा गया वो किसान आज जमा कर रहे हैं। कई कई किसान मित्र भी फॉर्म लेके गए हैं, वो भी अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं। अब तक कितना फॉर्म यहाँ जमा हो चुका है सर? अभी तक 4,000 जमा हो गया है और उम्मीद है कि आज 2-3,000 और जमा होगा। बहुत सारी जगह ऐसे भी है जिनको ये जानकारी नहीं थी, उनका उनके लिए क्या ऑप्शन है? हम लोग ने सभी माध्यम से बांटा है, किसान मित्र को बांटा है, जैसे किसान भी आके अपना ले गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो जमा करेंगे अपना फॉर्म। लातेहार जिला के महुआ डांड अनुमंडल सभागार परिसर में आज विकास योजनाओं को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष जयराम जायसवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में विकास योजनाओं के तहत आ रही समस्याओं के बारे में गठन पूर्वक विचार किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी योजनाओं में सभी लोगों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। रिपोर्ट बद्री गुप्ता की। कार्ड है, लोगों को नहीं मिला है तो ऐसा लोगों का आधार कार्ड और बैंक जमा करवाइए, जमा करिए। मान लीजिए 5 आदमी में कार्ड मिले, ठीक है, और 2011 में कार्ड बना था, उसमें अगर 12 साल होगा तो आज के डेट में 18 साल हो गया है। इसीलिए जितना भी उसमें अगर 5 आदमी है, 5 18 साल से ऊपर है तो 5 का आधार लाइएगा। सिर्फ खाली मुखिया का, परिवार का मुखिया का आधार लाइएगा तो उससे नहीं, सभी का आधार का फोटो कॉपी चाहिए, प्लस जो परिवार का मुखिया है जिसके नाम से कार्ड है उसका अकाउंट, ये लाके जमा करिए आप। लातेहार के महुआ डांड में संत इग्नेशियस लोयला दिवस एवं नए छात्र छात्राओं का फ्रेशर्स डे का आयोजन किया गया। इस दौरान नाट्य मंच, नृत्य समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति किस्कू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। Yeah.
हमारे जो संस्था है येशु समाज, उनके संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला, उनके यादगारी में लोयोला दिवस मनाते हैं। और उसी दिन हम लोग जो नए स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में नामांकन किए हैं उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। कावरिया संघ चटकपुर के बैनर तले 12 कावरियों का एक जत्था आज बाबा धाम देवघर के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान के पूर्व दुर्गा बाड़ी परिसर स्थित माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शत्रुघ्न प्रसाद, श्याम कुमार, भजन प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, अमित प्रसाद, कन्हई गुप्ता, नेत्र विशेषज्ञ संजू कुमारी, सविता देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अशरफ बदर द्वारा एक महिला कर्मचारी के साथ अमानवीय कृत्य करने के विरोध में आज अस्पताल में झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम करते नजर आए। इस दौरान संघ के चिकित्सा जिला मंत्री रविन्द्र नाथ ठाकुर एवं अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर टूडो ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आने पर ही कोई निर्णय ली जाएगी। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जैसे मदद बोलिए वैसे हम करने के लिए तैयार है। सामूहिक हम लोग काला बल्ला लगा के सामूहिक काम कर रहे हैं। काम हम लोग रुके नहीं है, काम कर रहे हैं। अगर शनिवार तक कुछ डिसीजन नहीं आता तब हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे संडे को। उसके बाद जो आदेश होगा हम लोग जिला से वो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के बारे में तो जो यहाँ से इन्होंने जो लिख के दिया था उसके आधार पर जाँच टीम जांच करके गई है और उच्चाधिकारी के पास सिविल सर्जन के पास हमने सारा चीज़ जमा हो गया। जमा होने के बाद शायद जैसा है कि चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य उन्होंने सारा चीज़ मंगा लिया है। आगे क्या हो रहा है ये करना मुश्किल रहेगी तो उनके ऊपर और जांच के ऊपर डिपेंड करेगा। जांच कमेटी के ऊपर क्या रिपोर्ट लेके गए हैं लोग। पोटका के रसुन चोपा में मुखिया और ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज पोटका प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि जायज आवेदनों पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे गैर जिम्मेवार व्यक्ति को शीघ्र ही हटाना चाहिए ताकि विकास कार्य सही ढंग से किया जा सके और प्रखंड के अधिकारी की बदनामी। प्रधान जी का कहना है कि मेरा वहाँ पर जगह नहीं है, मेरा वहाँ पर ये नहीं है, लिखित नहीं है जो हम साइन करेंगे। मुखिया के एक्चुअली वहाँ पर कलम है, मुखिया के साइन करने के लिए ये है, तो यही हम ये भी हम लोग बी डी ओ साहब से ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो मुखिया जिस तरह से काम कर रहे हैं इससे मुखिया हम लोग को नहीं चाहिए। और जो गाँव का जो हम लोग विवाद है जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में आज आम नागरिकों द्वारा उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाली गई। इस दौरान बताया कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ दिखावा मात्र है, यहां पर बेटी सुरक्षित नहीं है। इस दौरान जगत नारायण मंथन, विवाक राजश्री, इश्तियाक अहमद जौहर, दीपक रंजीत समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।